Hello friends, welcome to my channel Quick Knowledge. So today we are going to analyze annual secondary examination 22. The subject is English MCQ type. जैक बोर्ड की आप लोगों की ये लास्ट एग्जाम हुआ है इंग्लिश एमसीक्यू. तो चलिए आज हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन से सही हुआ है और कितना गलत हुआ है. आफ्टर एनालाइजिंग आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी को कितने मार्क्स मिले, यानी कितने आप लोगों का ठीक हुआ है आउट ऑफ 40. ओके, एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके और भी फ्रेंड्स जो है वो भी देख पाए और उन्हें भी पता चल सके कि वे कितने क्वेश्चन आंसर सही करके आए हैं और कितने गलत हुए हैं. चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों को एक पैसेज दे दिया है जो कल्पना चावला के बारे में बोला गया है. ठीक है, इसी से पैराग्राफ्स आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं तो देखते हैं पहला क्या है. दिस पैसेज इज अबाउट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कल्पना चावला के बारे में ही यहाँ पे बोला गया है. सो दिस पैसेज इज अबाउट कल्पना चावला. तो पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कल्पना चावला. कल्पना चावला के बारे में यहाँ पे बताया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कर्नल इज अ स्मॉल टाउन. कहाँ है वो? एक हरियाणा में है. ठीक है, जैसे कि यहीं पे आप लोगों को बताया गया है इज इट इज इन हरियाणा. तो करेक्ट ऑप्शन इज हरियाणा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी बिकम एन एस्ट्रोनेट इन 1995. यहाँ पे लिखा गया है तो करेक्ट ऑप्शन इज 1995. यहाँ पे लिखा हुआ है इन मार्च 1995 कल्पना चावला बिकम एन एस्ट्रोनेट. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट, हर फर्स्ट प्राइज वॉज डैश डेज, जैसे कि उस पैराग्राफ में लिखा हुआ था हर फर्स्ट प्राइज वॉज 15 days. तो करेक्ट ऑप्शन इज 15 days. 4 नंबर का दूसरा जो है ऑप्शन वो सही है. नाउ एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस. तो करेक्ट ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट वो पर्सन है जो कि ट्रैवल करते हैं स्पेस में. तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा. नाउ अगेन पैरा 2 में आप लोगों को दे गया है एक पैसेज दे दिया गया है जो कि प्लास्टिक के बारे में जहाँ बताया गया है. तो देख लेते हैं इसका क्या क्या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव दिया गया है. चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये प्लास्टिक के बारे में पूरा है, पूरा जो पैसेज है आप सभी ने पढ़ चुके होंगे, सभी पढ़ के ही किए होंगे. तो चारों तरफ देख रहे हो ना, प्लास्टिक 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 के बारे में ये बोला गया है. तो ऑप्शन नंबर 2 जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है करेक्ट होगा. ओके, इसका सूटेबल ऑप्शन होगा. नाउ व्हाई इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर. इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज. इसीलिए प्लास्टिक यूज होता है क्योंकि ये बहुत सस्ता और कन्वीनियंट टू यूज है, इसीलिए इसके ज्यादा यूज होती है. प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर, प्लास्टिक क्या किस में हार्मफुल करते हैं? पीपल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट के लिए भी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. ठीक है, 8 नंबर का करेक्ट आंसर 4 होगा ऑल ऑफ दिस. व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो इस जो पैसेज था हमने पढ़ा तो उसमें क्या हमने सीखा. जितने बार पैसेज आता है मैं बता चुकी हूँ कि पैसेज जितना बार आप सभी पढ़ोगे उसमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना और किस वे में लिखा हुआ है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहे पैसेज किस बारे में लिखा होगा, ये क्वेश्चन जरूर आ गया. देखिए आ भी गया है. व्हाट शुड बी वी अवेयर अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्या बैड इफेक्ट होता है, ये होगा करेक्ट ऑप्शन आप लोग. द ऑपोजिट ऑफ हार्मलेस, तो हार्मलेस का ऑपोजिट होता है डियर हार्मफुल. ओके, आई होप आप सभी के जो है ये लगभग सही होगा. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो उतना टफ है नहीं और बहुत अच्छा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. आई होप आप सभी के अच्छे गए होंगे. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप सभी के कितने मार्क्स आए हैं. नाउ यहाँ पे आप लोगों का कुछ ग्रामर का भी स्टार्ट हो जाता है जो कि 10 मार्क्स का दिया हुआ है ग्रामर. ओके, आर यू राइटिंग अ लेटर, दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस किस में है. तो जैसे कि यहाँ पे ing जुड़ा हुआ है तो ing का मतलब होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है और ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सी ऑलवेज डैश द ट्रूथ, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ हो जाएगा. ठीक है, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, स्पीक्स द ट्रूथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दे डैश डांस वेल, दे कैन डांस वेल, वे डांस कर सकते हैं. तो कैन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. 13 नंबर का 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर. 14 नंबर का डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, तो मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सी ऑक्ट डैश हर पेरेंट्स। टू सी ऑक्ट, टू ओबे हर पेरेंट्स, हमेशा हम लोग को टू ओबे करना चाहिए पेरेंट्स का, तो ये टू ओबे इज द करेक्ट आंसर 15 नंबर का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, दैट इंजरीज टू हेल्थ। सो स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्मोकिंग, 6 नंबर का स्मोकिंग। नाउ 17 नंबर, पैसिव वॉइस दिया है, ठीक है, पैसिव वॉइस दिया है, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज, कौन सा है? तो पैसिव है मतलब इसको हम लोग को छुपा के बोलना है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज। ओके, सो 17 नंबर का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ 18, आई डोंट नो डैश सी इज क्राइंग, आई डोंट नो वाई सी इज क्राइंग। तो वाई की स्पेलिंग होता है डब्ल्यू एच वाई, तो वाई हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कैन यू टेल मी डैश विल टीच अस इंग्लिश, कैन यू टेल मी हु विल, डब्ल्यू एच ओ हु, ऑप्शन नंबर 4, कौन हमें इंग्लिश पढ़ाएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का 4 जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ 20 में दिया है इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, ही सेड आई एम फाइन इज, इसको इनडायरेक्ट में स्पीच में अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14। ओके, नाउ प्रोज में दिया है अभी आप लोगों का लिटरेचर, यानी लिटरेचर से आप लोगों को दे दिया है 20 मार्क्स, इसमें देख देते हैं क्या क्या है। तो पहले दे दिया लेंचो, लेंचो वाला जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर था, ये सभी आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो एक लेटर लिखा था उसने गॉड को, फिर कुछ पैसे भेजा गया था जिसमें वो संतुष्ट नहीं था, फिर उसने दोबारा लेटर लिखा, तो देखिए उसी से क्वेश्चन आया है। हु यहाँ पे पैरा दे दिया, इसी से आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, हु रीड द लेटर, तो लेटर कौन रीड किया था, पोस्ट मास्टर, है ना, गॉड तो रीड नहीं किया था ना, चैप्टर में हम लोग पढ़े थे पोस्ट मास्टर रीड किया था, तो 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। नाउ हु इज आई इन दिस पैसेज, इस पैसेज में आई कौन है, आई यानी यहाँ पे लेंचो, लेंचो अपने बारे में ही बोला है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, लेंचो। 23, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, तो जो पोस्ट मास्टर है लेंचो को ये लेटर पढ़ के कितने दिए थे, तो 70 पेसोस दिए थे, तो करेक्ट ऑप्शन इज 70 पेसोस। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, ये आप लोग की बुक में लिखा है, डिसऑनेस्ट मीन्स क्रूक्स। ओके, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, 5 में दे दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू द मंडेला, तो करेक्ट ऑप्शन इज लव। ओके, इन विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, तो एनी को लग रहा था कि मैथ्स में वो पास नहीं कर पाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैथ्स। 27, ये सारे चैप्टर बुक में हैं, बहुत अच्छे तरह से जो पढ़े उनके लिए तो बहुत ही ईजी रहा होगा, और आई थिंक वे 15-20 मिनट्स में अपने पेपर जो है कम्प्लीट कर चुके होंगे मुश्किल से, है ना। नाउ 27 क्वेश्चन नंबर, द लेसन द फर्स्ट प्राइज इज अबाउट, जो फर्स्ट प्राइज था वो एक सीगल पक्षी के बारे में बोला गया था, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सीगल। नाउ 28, विच कंट्रोल स्टेशन डिड नॉट पोलाइट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, तो इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेरिस। विच कंट्रोल स्टेशन डिड नॉट पोलाइट कॉन्टैक्ट अवे, ये होगा पेरिस। नाउ पोइट्री से भी आ गया है आप लोगों को, पोएट्री में देख लेते हैं, पोएम दिया है टाइगर इन अ केज, आई थिंक ये पोएम दिया हुआ है। हु रिटन दिस लाइन, तो ये लिखा है लेस्ली नोरिस। ओके, ये लेस्ली नोरिस द्वारा लिखा गया था, तो 29 का हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हु इज ही इन दिस लाइन, तो उस लाइन में किसके बारे में बोला गया, टाइगर, तो टाइगर इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प मीन्स फैट, प्लम्प मीन्स मोटा हो जाना। वेयर शुड ही टू बी अकॉर्डिंग टू एक्सैक्ट, तो ही शुड बी अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट इन जंगल, ठीक है, टाइगर इस पोएम का जो बोला गया था कि टाइगर के एक्चुअली जंगल में रहना चाहिए, पिंजरा में नहीं। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे दे दिया है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइजेस सोरो, ठीक है, सोरो के बारे में वो सिम्बोलाइज करते हैं। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, तो जब उस जो बॉय था वो कहाँ अपना बॉल घुमा दिया था, इन द वाटर, करेक्ट आंसर। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन अगेन, सप्लीमेंट्री रीडर से आप लोगों को दिया गया है ये। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ट्रिकीज़ इंडस्ट्री की, एक डॉगी थी है ना, जिसको क्या हुआ था,
जिसको माल न्यूट्रिशन हो गया था, वो बहुत ज़्यादा खा लिया था जिस वजह से माल न्यूट्रिशन हो चुका था। तो कौन उसके रिस्पॉन्सिबल थी? मिसेस पैम्परी थी, ठीक है, उसके मालकिन। हु इज़ मिसेस पैम्परी? द ओनर ऑफ द डॉग, डॉग की मालकिन थी। दो 36 का हो जाएगा वन, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, 36 का ऑप्शन नंबर वन। नाउ 37, अकॉर्डिंग टू मिसेस पैम्परी, टिंकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जैसे कि मैंने थोड़ा पहले बोला, माल न्यूट्रिशन, यानी बहुत ज़्यादा खा लिया था, खा लेने की वजह से माल न्यूट्रिशन हो गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री। नाउ 38, हरी सिंह वाज अ, हरी सिंह कौन था? हरी सिंह एक चोर था, थीफ था। सभी पढ़ चुके होंगे, 38 में पहुँच के देखिए, बहुत ही जल्दी एनालिसिस हम लोग को हो चुका है। आई होप कि आप सभी ने एनालिस कर लिए होंगे कितने सही कितने गलत हो गए। ऑप्शन में जैसा आपका सही हो रहा गलत हो रहा, ऐसे ऐसे टिक मारते जाओ, ऐसे ऐसे सही मारते जाओ, और लास्ट में काउंट करके ऐसे पीछे लिख दो कि कितने आपको मिला है मार्क्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप सभी कितना मार्क्स आप लोगों को मिला है। अभी तक मैंने सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश का अपलोड कर दी हूँ, और बाकी बाकी सब्जेक्ट भी जो है मैथ्स भी अपलोड हो चुका है, और बाकी जो सब्जेक्ट है संस्कृत वगैरह वो भी अपलोड बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कृपया करके आप सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फैले और आपके सभी फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके और वे भी एनालाइज कर सके कि उनको कितना मार्क्स मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, Who was Anil in the story? The thief story में तो अनिल इन द स्टोरी कौन थे? मैगजीन राइटर थे। ओके, हाउ ऑफन डिड द बॉय चेंज हिज नेम? तो जो बॉय जो था वो कैसे महीना हर महीना महीने में अपना जो है नेम चेंज करते रहता था? तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी मंथ। सो आई होप आप सभी का एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा गया हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आगे आप लोगों का एग्ज़ाम तो खत्म हो गया, इंग्लिश लास्ट एग्ज़ाम था, और अच्छे मार्क्स आई होप सभी लाए होंगे। किसका कितना परसेंटेज आया है एग्ज़ाम के बाद भी जब रिजल्ट आएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छे कॉलेज में जाइए, चाहिए स्कूल में जाइए, पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखिए और आगे बढ़ते रहिए इसी तरह। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।